बीते दिन पंजाब सरकार वालों ड्रंक एंड ड्राइव संबंधी मुहिम चलाने लिए पत्र जारी किया गया सी। जारी पत्र विच कहा गया सी कि विवाहां तो बाद शराब पी के गड्डी चलाउण वालियां दे हुण पंजाब पुलिस वालों चलान कटे जाणगे, जिस दा असर अज तो शुरू हुंदा दिखाई दे रहा है। वीडियो तुहानू दिखावांगे अमृतसर दे किसी निजी पैलेस दी, जिथे पंजाब पुलिस वालों पैलेस दे बाहर नाकाबंदी करके विवाह विच आए सारे गैसट अते होर आउंदे जाउंदे सारयां दी चैकिंग कीती जा रही है। इन्हां दिनां दौरान विआह दा सीजन चल रहा है, जिस दौरान कई लोग शराब पी के गड्डी चलाउंदे हन, जिस कारण दुर्घटनावां विच वाधा हुंदा है। इन्हां नूं रोकण लई मैरिज पैलेसां दे बाहर गड्डी चलाउण वाले व्यक्ति दे शराब ना पीण दी चैकिंग कीती जा रही है। पंजाब सरकार वल्लों इस संबंधी लोकां विच जागरूकता पैदा करन लई कहा गया है, तां जो लोग शराब पी के गड्डी चलाउण तों ग्रेज करन अते दुर्घटनावां नूं ठल पाई जा सके। दिशा निर्देशों अनुसार इसकी रिपोर्ट हर सोमवार सरकार नूं भेजी जानी जरूरी होगी। कमेंट करके तुसी भी जरूर दसो कि सरकार दे इस फैसले ते तुहाडी की राय है। अज असी अमृतसर कमिश्नरेट विखे सब डिवीजन नॉर्थ वालों थाना सदर विखे एक मुहिम चलाई है। ये मुहिम पंजाब सरकार दीआं हदायतां दे मुताबक, जो सानू पता ही है कि अजकल विआहां दा सीजन है ते अगे धुंद करके भी काफ़ी मौसम विच खराबी आनी है, ते इस सीजन दे विच अनमूनन देखा जाता है कि एक्सीडेंट्स की गिनती बहुत वध जाती है, जिस दे मद्देनज़र अज असी इत्थे महाराजा फार्म्स पैलेस दे मूहरे एक नाकाबंदी की है, जिस वजह से जो भी फोर व्हीलर टू व्हीलरस वहीकल आ रहे हैं, जो भी ड्राइवर ने उन्होंने अल्कोमीटर नाल ब्रीथिंग एनालिसिस नाल टेस्ट कर रहे हैं। जिस किसी ने भी दारू का सेवन किया गया होगा या दारू पीती होगी, असी उन्हां दी गड्डियां दा चलान कर रहे हैं। तो असी अज आम पब्लिक नूं अपील भी करना चाहते हैं कि अगर तुसीं कोई भी विआह अटेंड करते हो जां कोई फंक्शन अटेंड करते हो ते तुहाडे परिवार के किसी मैंबर ने दारू का सेवन किया होया है, तो तुसीं उस नूं ड्राइविंग करन तों गुरेज करो, तो गड्डी उही बंदा चलावे जां औरत चलावे जिसने दारू का सेवन नहीं किया होया। इस नाल असी अपनी अपने परिवार की तो जिंदगी बचावांगे ही, इस नाल असी आम पब्लिक आम जो नागरिक सड़क पर घूम रहा है उसकी जान की भी राखी कर सकते हैं। बिल्कुल जी, अनमूनन जो एक्सीडेंट्स होंगे ने 70 तो 75 एक्सीडेंट्स पाया जाता है कि ड्राइवर वालों दारू का सेवन किया गया है, जिस कारण अपनी एनालिसिस थॉट एनालिसिस की पावर घट जाती है तो असी एक्सीडेंट का शिकार हो जाने हैं। इन्हां चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं सारिआं नूं सूचना भी दिंदा है तो सुचेत भी करदा हाँ कि अगर तुसीं कोई भी फंक्शन अटेंड करते हो तो दारू का सेवन करके ड्राइविंग ना की जाए, ता कि असी आम पब्लिक ते अपने परिवार को किसी तरह की मंदभागी घटना या एक्सीडेंट तो बचा कर सके। बिल्कुल जी, जब तक ये विआहां दा सीजन रहेगा असी अलग अलग रिजॉर्ट्स के अगे नाकाबंदी भी करांगे ते आम रोड्स से भी नाके लावांगे, ते सानू कोई भी दारू का सेवन करदा कोई ड्राइवर पाया गया तो उन्हां खिलाफ़ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हां दा चलान कट्टिया जाऊगा। तो सरकार वालों भी मोटर व्हीकल एक्ट के अधीन बहुत ही स्ट्रोंग हदायतां जारी कीतियां गईयां हन, जिस विच तुहाडा लाइसेंस भी रद्द हो सकता है ते तुहानू 10,000 तों उत्ते जुर्माना भी पै सकता है। इस सिलसिले दे विच जो भी साडे एरिए च रिजॉर्ट्स पैंदे ने उन्हां नूं हदायत की गई है, मैनेजर्स नाल SHOs की मीटिंग भी हुई है कि अगर तुहाडे रिजॉर्ट कोई भी बुकिंग करना आउंदा है तो उसनों जो पंजाब सरकार वालों हदायतों ने, जिस विच इंपोर्टेंट हदायतों कि तुसी हथियारों नूं अंदर लैके नहीं जाना जहाँ हथियारों की वरतों नहीं करनी विआह दे टाइम, तो दूसरा शराब का सेवन करके कोई ड्राइविंग नहीं करनी, इन्होंने इन्हों के मुताबक असी मैनेजर्स नूं ते मालकां नूं हदायतां दित्तियां ने तां कि असी आम पब्लिक नूं आम नागरिक नूं किसी भी तरह की मंदभागी घटना तो बचा कर सकें।